वाले हैं, बताओगे बाद में कि मुसाफिर। We are traveling interstate. आज है मेरे साथ ब्लॉग में मम्मी एंड टीशर्ट चोर जो कि है पीछे। Show your face. चलो निकल पड़े हैं भोपाल के लिए। भोपूस 6:30 बजे निकले हैं हम लोग, निकलना था 2 बजे रात को। स्पेशली हम लोग का प्लान ये था कि छत्तीसगढ़ हो के, बट छत्तीसगढ़ का रास्ता शायद बहुत ही खराब है जहाँ तक मुझे पता है। हम लोग को वैसे इंटीरियर वाले रास्ते से नहीं जाना था, दैट्स व्हाई हम लोग जीटी रोड लेंगे जो कि आपका संबलपुर, रायपुर एंड नागपुर होके जाती है भोपाल के लिए। थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बट सीधी रोड है एंड इजीली हम लोग ड्राइव कर पाएंगे। सफर को आसान बनाना है, लंबा है किंतु आसान। आप सुबह सुबह चावल क्यों खा रहे हैं? क्योंकि समर है ना, झारखंड में झारखंडी फूड खा के निकलेंगे ना, उसके बाद ना भोपुर वाला खाएंगे हम लोग। अच्छा, अब छुपा क्यों रहे हैं टिफिन को? छुपा नहीं रहे, गिरने का डर है। इतना बढ़िया से खा रहे, देखो ना, फ्राई भिंडी है और सत्तू भी है मेरे साथ। कब का चावल है? कल का। हाँ, शाम में बना था, लेट से। बासी नहीं है, बासी खाना खा रहे हैं। बेसिकली दो रास्ते जाते हैं, एक गुमला होके जाते हैं, गुमला छत्तीसगढ़ होके एक रास्ता जाता है एंड एक सिमडेगा उड़ीसा होके रास्ता जाता है। तो हम लोग सिमडेगा और उड़ीसा वाला रास्ते पे जा रहे हैं। और रास्ते में मिलने वाले प्राकृतिक दृश्य का हम लोग आनंद उठाते जाएंगे और वो दृश्य आप लोगों को दिखाते भी जाएंगे। सिमडेगा है यहाँ से 150 किलोमीटर, मेरे को जहाँ तक पता है 150 या 200 किलोमीटर होगा। टैक्सी देखते हैं कितने देर में हम लोग कवर कर पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स आते रहे। अभी हम लोग एक कॉफी ब्रेक के लिए रुके हैं, तो कुछ बातें करनी थी मुझे। सो दिस इज माय फर्स्ट ट्रिप जो कि इतनी लंबी होने वाली है। 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं इस बार वन गो में। वन गो नहीं, देखते हैं, विल टेक अ ब्रेक, बट 1000 किलोमीटर ड्राइव करना है एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड। ऑल्सो मेरे को कुछ कुछ चीजें भी माइंड में रखना होगा, लाइक आई हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। मतलब मैं एक्साइटेड भी हूँ एंड थोड़ा डर भी लग रहा है, एक तो इतना लंबा जर्नी है एंड ऊपर से इट्स मी, माय सिस्टर एंड मम्मी। आई एम द ओनली मेल पर्सन हुज इन द कार, सो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगा कि कुछ मिसहैप हो, टच वुड। सो जब भी आप ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स करते हो तो मेक श्योर कि आपकी गाड़ी ठीक ठाक हो, लाइक वर्किंग कंडीशन में हो। सो जैसे कि मैंने कल ही शाम में अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग करा लिया, डीएफ लेवल एवरीथिंग आई चेक कि सारे चीज ओके है कि नहीं, क्योंकि अगर डीएफ नहीं रहेगा तो भाई गाड़ी चलेगी नहीं। जिनको नहीं पता है, डीजल गाड़ियों में डीएफ डलता है। डीएफ बेसिकली मींस डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, लाइक पोल्यूशन नॉर्म्स जो है BS6 वाले, उसके चलते ये नया चीज एडिशन हुआ है। सो बेसिकली ये यूरिया है जो कि सारी डीजल गाड़ियों में डलता है। सुबह के 8 बज रहे हैं एंड हम लोग ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिस जगह पे हम लोग अभी हॉल्ट लिए हैं, इस जगह का नाम है कोनबीर एंड ये बसिया में आता है। तो जो लोग भी सिमडेगा ट्रैवल करते हैं उनको ये रास्ता पता होगा, बसिया से कोयल नदी पार होती है। सो अगर आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो सिमडेगा तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू कम टू दिस प्लेस, इट्स कॉल्ड श्याम होटल। देखो वो रहा, तो ये कोनबीर में है बसिया भाई। ऑल्सो यहाँ की भाई, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ सिमडेगा के लिए तो मैं यहाँ हमेशा रुकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो कॉफ़ी मिलती है ना भाई साहब, इट्स वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू। ये रहा पीछे हमारे श्याम होटल, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू टेक अ हॉल्ट हियर एंड हैव कॉफी, टोटली वर्थ इट फॉर द प्राइस। कंट्रोल कंट्रोल, what do you want to say about the coffee? He's the sheep man. What? Bro, what are you talking about, man? So, this is my coffee. A full mug of coffee for 50 rupees. So, इतनी लंबी जर्नी है तो मैंने सोचा कि थोड़ा caffeinated रहना ज़रूरी है ताकि नींद नहीं आए. That is the only reason I'm drinking this coffee. Oh my dog. पानी की पेटी आ गई है पूरी. So, this will be my first trip जो कि 1000 किलोमीटर है. एंड इससे पहले मैंने कवर किया है 700 किलोमीटर्स का ट्रिप जो कि दार्जिलिंग का है। अगर आप लोगों ने उस वो वीडियो नहीं देखा है देन इज द आई बटन इधर कहीं पे, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। आज सुबह सुबह मम्मी ने बहस कर लिया था कि यहाँ पे बड़ा सा पानी का जार रखा जाए। और क्या, तो इतना बड़ा 10 लीटर का जार कौन लेके जाता है? उसे अच्छा, ठीक है, वो
हैंडी नहीं होता ना यूज करना, वही तो पानी तो उतना लगेगा। अरे तो ठीक है यार, मम्मी आपको वाटर पी जाओगे बाबू। आपको क्या रांची का पानी पीना था क्या? हर टाइम घर का पानी, घर का पानी, घर का तो पानी नहीं था, घर तो बोकारो में है तो रांची का पानी क्यों पीना है। दिक्कत ये था कि उस जार को खोल के बाद फिर से पानी निकालो, रुक के वो स्पिल हो जाता है बहुत, मतलब क्योंकि वो भारी सा जा रहा है ना, टाइम टेकिंग भी है। 10 लीटर का जार था। अंदानी लोग ऐसे ही चलते हैं सब कुछ लेके, पता था मुझे। बस बस ठीक है, बड़े घर के लोग, हम तो छोटे लोग हैं। ये ठीक है, मिल गया, नहीं लाए थे तो हम क्या करते, कुछ तो रखना है ना भाई, गर्मी का मौसम है, खुद ही 2 लीटर पी जाते हो एक बार में। यहाँ क्रॉस करो ना छत्तीसगढ़, पता लग जाएगा दो ले लेना चाहिए कितना टेम्परेचर बढ़ने वाला है। भारत के तो मध्य में जा रहे हो जहाँ पर एकदम सनलाइट एकदम सीधा पड़ने वाला है। बस बस और सब जगह क्या टेढ़ा पड़ता है सनलाइट? हाँ टेढ़ा नहीं पड़ता है, एकदम सामने आ जाएगा, गर्मी ज्यादा तपेगा अभी। अब स्टॉप नहीं लेना है, पिमडेगा क्रॉस करके उड़ीसा में देखते हैं। ये कार को अभी जा रही है आगे और देखते हैं कौन सी कार है। कोई अच्छा ही, मेरे को लग रहा है कोई लग्जरी कार ही है, वो देखते हैं जाके। एयरपोर्ट सर्विस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है गाड़ी में। अरे भाई ये कौन सी गाड़ी है, कंपनी नहीं देख पाया ना कौन सी गाड़ी है। सिमडेगा मेन मार्केट पहुंच चुके हैं हम लोग, यहाँ आगे सिमडेगा बस स्टैंड है, महावीर चौक में हम लोग, महावीर चौक नहीं, अभी एक स्कूल पार किया हमने, पता है उसका क्या नाम था, अजम्पशन स्कूल। और ये पंडरी पानी, और ये स्कूल है सिमडेगा में पंडरी पानी में। कल मैंने तेल भराया था 30 लीटर एंड अभी सिमडेगा पहुंच के फिर हमने अभी रिफिल करा लिया 20 लीटर, क्योंकि दूसरे स्टेट्स के प्राइसेस वैरी करते हैं, मतलब फ्यूल प्राइसेस। सो हमने सोचा कि इधर ही से पूरा फुल टैंक करा के चलते हैं, बाद में देखा जाएगा जितना कम होगा उधर भराया जाएगा। अभी रेट चल रहा है 95 रुपीज़ इन झारखंड एंड लेट्स सी नेक्स्ट फ्यूल अप स्टेशन पे कितना देखते कितना प्राइस रहता है दूसरे स्टेट में। जो राम से हम लोग मुड़ रहे हैं, सो रायपुर के लिए हम लोग को यहाँ से लेना पड़ेगा उड़ीसा सीमा, यहाँ 9 किलोमीटर पे बॉर्डर है और रायपुर होके जाना है हम लोग को, यहाँ दिखा रहा है 442 किलोमीटर। हाँ। रायपुर तो ये है उड़ीसा का बॉर्डर, राजगंजपुर, हम लोग उड़ीसा एंटर कर रहे हैं। वेलकम उड़ीसा, वेलकम उड़ीसा, बिरमित्रापुर देख रहे हो सब, उड़िया में लिखा हुआ है क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है। कितना सुंदर लग रहा है, देखो देखो हीरोज आगे जा रहे हैं और एक बगल से पार हो गए, आराम से चलो, दिख रहा है शंख नदी, ये देखो बालू तस्करी चल रही है, दिख रहा है सुप्रिया नदी, उधर भी बालू तस्करी चल रही है, देखो ट्रक हाथ अड़े हुए। ये है दुर्दशा शंख नदी की उड़ीसा में। हम लोग जब लास्ट बार आए तो ये भरा हुआ था पूरा पानी, हाँ मतलब पूरा, हाँ मतलब बारिश के टाइम में जब राउरकेला जा रहा था बहुत बारिश, हाँ पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था, बोया पेल बबूल का आम कहाँ थे तो बबूल की पेड़ है, क्या होता है बबूल का पेड़, कटीला काटा होता है इतना बड़ा बड़ा, ज्यादातर तो रेलवे ट्रैक के किनारे देखा जाता है। हाईवे में प्रवेश कर रहे हैं, संबलपुर 133 किलोमीटर यहाँ दिखा रहा है। कोई चीज़ आता हूँ, कॉर्पोरेट स्लेव की जिंदगी कैसी होती है, अभी होगा ड्राइवर चेंज। ओके लेट्स गो, बहुत बड़ी गाड़ी है।